बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ नेक्स्ट टॉपिक इन विच यू लर्न अबाउट द मेटल्स फ्रॉम द अर्थ, विच इज़ ऑन बुक पेज नंबर 36। ओके, एंड द टॉपिक इज मेटल्स फ्रॉम द अर्थ। ओके, एज यू नो दैट द गोल्ड एंड सिल्वर्स आर इन द बॉटम ऑफ इन द सीरीज। ठीक है, आपको पता है कि गोल्ड और सिल्वर जो है ये दोनों इनमें अगर रिएक्टिविटी होती भी है तो थोड़ी सी होती है या तो फिर ये रिएक्ट नहीं होते, तो इसकी वजह से ये क्या होते हैं, बिल्कुल बॉटम में होते हैं। आप लोग इधर भी देख सकते हैं, ठीक है, ये क्या है, बिल्कुल बॉटम में है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि गोल्ड और सिल्वर क्या है, बिल्कुल बॉटम में है। तो ये दोनों क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज के बिल्कुल बॉटम में है। ठीक है, तो ये जो है हमें कहाँ से मिलते हैं, रॉक्स में से मिलते हैं और प्योर मेटल्स में से होते हैं। यानी कि जो गोल्ड और सिल्वर है ये हमारे पास दोनों क्या है, ये दोनों प्योर मेटल है। ठीक है, क्योंकि ये कहीं पे भी रिएक्टिविटी नहीं दिखा रहे। दूसरे मेटल जो हमें रॉक्स में मिलते हैं वो कंपाउंड के फॉर्म में होते हैं। कंपाउंड के फॉर्म में कैसे, यानी कि वो दो एलिमेंट्स के बने हुए होते हैं, तो इनको जो कंपाउंड के फॉर्म में होते हैं उनको हम बोलते हैं ओर्स। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज दीज मेटल्स आर रिएक्टिव, क्योंकि ये रिएक्टिव होते हैं जो कंपाउंड वाले होते हैं। ठीक है, अगर आप पास्ट में देख लें तो ये जो ऑक्सीजन एंड सल्फर जो है ये क्या करते हैं, वो कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, एज यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड इन क्लास 7 दैट व्हेन सल्फर एंड ऑक्सीजन कंबाइन दे फॉर्म सल्फर ऑक्साइड, सो दिस इज़ अ कंपाउंड। ओके, सो सच ऑक्साइड एंड सल्फाइड दे मोस्टली लाइक हैपन इन द पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई। ये हमें वहाँ पर मिलते हैं जहाँ पर अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। ओके, लुक एट दीज फोटोग्राफ्स। ओके, आप इन फोटोग्राफ्स की तरफ देखें कि ये क्या है, ये हेमेटाइट आयरन ओर है। ठीक है, जिसमें क्या है, आयरन और ऑक्साइड है, यानी कि ऑक्सीजन भी है इसमें। ये बॉक्साइड है जिसमें एल्यूमिनियम ओर है। ओर इज़ अ मिक्सचर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, और में क्या होते हैं, मोस्टली मिक्सचर होते हैं। और ये देखिए, ये मैग्नीशियम क्लोराइड, एक ये हो गया एलिमेंट और दूसरा ये हो गया। ठीक है, यानी कि ये हमें सी के बिल्कुल तले में मिलता है। ठीक है, और ये हमें क्या देता है, मैग्नीशियम देता है। ये क्या है, कॉपर पायराइट है, जो कि क्या देता है हमें, कॉपर और देता है। ठीक है, और मेनली हमें ये कॉपर सल्फाइड देता है। अब आप देखिए कि और जो है वो माइन किए जाते हैं। माइन का मतलब क्या है, खोदना। ठीक है, ग्राउंड से बिल्कुल जो तला होता है वहाँ से जो है ये निकाले जाते हैं एलिमेंट्स, इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि उनसे अलग किया जाता है। ठीक है, कुछ और जो होते हैं वो रनिंग आउट होते हैं, यानी कि उनको नीड होती है किसकी, कि वो क्या कर सके, इकोनॉमिकल यूज़ की तरफ जो है वो हम इनको नेचुरल रिसोर्स की तरफ जो है वो रिसाइकिल करके हम इनको यूज़ कर सके, यानी कि वैल्यूएबल रिसोर्स हम इनको की तहत इनको हम यूज़ कर सके। ठीक है, अब देखिए कि वेदर हम ये हम पे डिपेंड करता है कि माइन जो है वो कितने हमारे पास है या फिर नहीं है। देखिए वो किस तरह के, द डिसीजन वेदर और नॉट टू माइन इन ओर डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द थिंग्स। अब वो डिपेंड करता है इन सिचुएशंस पे कि ये जो माइन है, ठीक है, वो मतलब है या नहीं है, मतलब माइन को जो है वो क्या करना है, वो प्रेजेंट ओर है या नहीं है। सबसे पहले हाउ मच ओर इज़ देयर, कितना ओर जो है वो प्रेजेंट है, और दूसरा कितना उसका मतलब जो, हाउ मच इट विल कॉस्ट टू माइन, कितना खर्चा लगेगा उसको खोदने में। ठीक है, नंबर थर्ड, हाउ मच इट विल कॉस्ट टू एक्सट्रैक्ट द मेटल फ्रॉम द ओर एंड प्योरीफाई इट। ठीक है, नंबर थ्री जो है वो ये भी होता है कि हमें कैसे पता चलेगा एक्सट्रैक्ट करके कि ये मेटल जो है वो मतलब प्यूरीफाई करना, मतलब किस तरह हम इसको क्या करेंगे, प्यूरीफाई करेंगे। नंबर फोर, इफ़ देयर इज़ अ मार्केट फॉर द मेटल, क्या अगर यहाँ पे मार्केट है मेटल की, इफ़ अ प्रॉफिट कैन बी मेड, तो क्या फ़ायदा होगा, द अफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, और वे अफेक्ट एनवायरनमेंट पे क्या होगा। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द मेटल्स फ्रॉम द अर्थ। मेटल्स हमें अर्थ से मिलते हैं, बिल्कुल ज़मीन पे, लेकिन हमें इस पे खर्चा जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, ज़मीन की जो हम क्या करवाते हैं, यानी कि जो ज़मीन को हम एक्सट्रैक्ट करवाते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, तो ये कराना क्या होता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ डिड यू नो वेरी लिटिल आयरन फॉर्म नेचुरल ऑन द अर्थ। बहुत थोड़ी सी आयरन जो है वो नेचुरली अर्थ पर बनती है। ठीक है,
अब जो है वो मोस्ट ऑफ इट इज़ कंटेंट इन मेटोरिटी लार्ज लम्स रॉक हैव क्रैश्ड ऑनटू द अर्थ फ्रॉम द स्पेस. मोर मेटल हैज़ बीन यूज वर्ल्ड वाइड. ठीक है, दुनिया में बहुत ज़्यादा मेटल जो है वो यूज़ किया जा रहा है 1950 से लेकर देन इन प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, 1950 से लेकर अब जो है वो प्रीवियस हिस्ट्री में देखें हम तो ये मेटल जो है वो पुराने ज़माने से ही यूज़ किया जा रहा है. ठीक है, आप पुराने ज़माने के बर्तन देखें आपने, सिल्वर कलर के होते हैं जो है वो प्लेट्स. ठीक है, ये बर्तन जो होते हैं इन किससे बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं मोस्टली मेटल में से. ठीक है, तो मेटल जो है ये सिंपली हमें कहाँ से मिलते हैं, ये हमें मिलते हैं अर्थ से. अर्थ को बिल्कुल जो है वो एक्सट्रेट वहाँ से अर्थ से करके ये निकाले जाते हैं. ठीक है, ये भी हमारे पास कुछ मिक्सचर हैं और इनको हम ओर्स बोलते हैं. ओर्स हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ओर क्या होता है, एक कंपाउंड होता है. ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, योर होमवर्क इज़ यू हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 4 और बुक पेज नंबर 37. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.